टीवी आया, टीवी आने के कुछ साल बाद पहले तो अच्छे अच्छे विद्वान आए। आप जरा सा याद कीजिए कि पहले टेलीविजन चैनलों पर जब डिबेट होता था तो सारे पढ़े लिखे तो अब भी आते हैं, लेकिन तब जो आते थे वो अलग थे, विद्वान लोग आते थे, पार्टी के सीरियस प्रवक्ता, बड़े लीडर आते थे टीवी के डिबेट में। तो उस फॉर्मेट को लेजिटिमाइज किया गया कि हाँ ये बड़ा अच्छा, कोई न्यूज़ की जगह ये ठीक है, ये हमको समझ में आ रहा है, दो पार्टियों की चाल ढाल और रीति नीति में समझ में आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे उन सब की जगह वो लोग ले आए जो डिबेट के दौरान किसी का कॉलर पकड़ लेते थे, कोई इस तरह से गाली गलौज की भाषा बोलने लगते थे, तो इस तरह की चीज़ें हुई तो पूरा संदर्भ गायब हो गया और रिपोर्टर का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया जो इन्फॉर्मेशन लाता था। तो इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया, अब बच गया एंकर। एंकर एक मीम था शुरुआती, जो व्हाट्सएप पे मीम आता ना, गुड मॉर्निंग वाला, दो गुलाब के फूल और एक कप चाय के साथ, वो फोटो वाला, तो एंकर मीम बन गया। तो उसके नाम से शो चलने लगे, ये चला कुछ दिनों तक चला। फिर जब ये पूरी तरह से ध्वस्त हुआ तो आप अमेरिका का ही देखिए, एंकर के इंडिविजुअल नाम से कितने पॉपुलर शो बने, बाद में इंडिया में भी वो शुरू हो गया। उसके बाद ये सब भूत प्रेत का किस्सा आता है और ये सारे इस तरह से प्रवक्ता टीवी पे आके लड़ने लगते हैं और आपको लगता है हाँ बड़ा ज़रूर है यार, ये सही कर रहा है, ये हिंदुओं को अब तो बता ही देना, मुसलमानों का कोई मौलाना बैठा हुआ है भाड़े पर लाया गया है और वो लड़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और 24 घंटा चल रहा है, 24 घंटा इस देश में चल रहा है। लग रहा था कि लोग मतलब अभी तक जी कैसे रहे थे भाई, इतना सारा गुस्सा लेके। तो ये एक तरह से कॉन्टेक्स्ट गायब कर दिया गया। अब इसमें सिर्फ एक लाइन की बात चलती थी, ये अर्बन नक्सल हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये उस मीम का एक्सटेंशन था। तो हमने इंफॉर्मेशन को, सोसाइटी को खत्म कर दिया। तो नॉलेज इनइक्वालिटी हमारे समाज में पैदा हो गई, अमीरी गरीबी, हेल्थ की इनइक्वालिटी तो है, नॉलेज इनइक्वालिटी पैदा हो गई। और उस गैप को भरने के लिए आया व्हाट्सएप और टेलीविजन को लगाकर, जो लोग हम पर भरोसे के साथ देखते थे कि ये लोग हमको बताएगा, अखबारों में चीज़ों को समझाया जाएगा, वो काम बंद करके आप जाकर देखें कि पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक विचारधारा का, एक तरह से वो उसको भी उसके अच्छी चीज़ें बताते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उस विचारधारा में अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, 24 घंटा मुसलमान 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 चलता रहता, सब मिल के ही तो लड़े थे इस देश के लिए। और कितना किसको कितना डराओगे, इसलिए कि आपके पास टीवी चैनल है, ये आपके देश में हुआ, इसलिए लगता है, समझिए कि इस टेलीविजन के खेल को, कि टेलीविजन आपकी डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है। आपके सामने कोई मजाक में या फिर किसी भी प्रकार के रिएक्शन में ये बात नहीं बोलता कि आप टीवी देखना छोड़ दें, बहुत सोच समझ के बोलता हूं। और अगर आप देख रहे हैं तो अप्लाई कीजिए, सवालों को अप्लाई कीजिए, देखिए, सोचिए कि ये क्या दिखा रहा है। देखिए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो जुमला है, वो एक ही जुमला नहीं है, कभी ये इस्तेमाल होता है, कभी अवार्ड वापसी गैंग इस्तेमाल होता है, बहुत तरह के गैंग का इस्तेमाल करते हैं। है गैंग तीन ही लोगों का, दो 2+1, एक जिनका जहाज है, जो खुद गैंग है वो दुनिया को गैंग के रूप में पहचानना, तो लगातार एक दुश्मन पहचानना है। हमारा देश ऐसा कब से हो गया कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं मना रहा है? गौरी लंकेश की हत्या होती है तो प्रेस क्लब में जब लोग जमा थे तो ये एंकर लोग क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे? तो ये बांट रहे थे, लगातार वो मशीन चल रही थी बांटने की। और गांव-गांव में उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के जरिए आप सब लोग, सब जो चुप हो गए थे, उनके उनके जहन पर, एक तरह से अकल पर परतें चढ़ाई जा रही थी, ये दुश्मन है। मुझे मेरे गांव में जाके लोगों ने कह दिया कि ये रविश ने, इनका नाम रविशुद्दीन है तो क्या हो गया? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? अब कागज मांगोगे? तो इसीलिए अब एक ही पहचान नागरिकता की होनी चाहिए। वो यही कर रहे थे। टीवी एंकरों की भाषा देखिए, खराब अंग्रेजी माफ की जा सकती है इस देश में, बहुत लोगों की खराब अंग्रेजी है, मेरी भी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उस अंग्रेजी का इस्तेमाल करके सबसे पहले जब आप अपनी नागरिकता कब हारते हैं? जब भाषा हार जाती है। नागरिकता हासिल करने के लिए जरूरी हो
कि भाषा में एक तरह का संयम और समानता, उसमें प्यार हो, उसमें स्पेस हो। जब ये सारी चीजें खत्म कर दी गई और यू वेयर इज द लिबरल टुनाइट, जिसका पता नहीं कि वो दिन में कहां रहता है, रात को आके वो लिबरल को खोजता रहता है। तो ये टेलीविजन के जरिए, और आप लोग देख रहे थे कि बड़ा भारी ऑक्सफोर्ड से कोई पढ़ के आया है, अंग्रेजी बोल रहा है, सिस्टम को अकाउंटेबल बना रहा है, लेकिन ये चैनल वाले जश्न मना रहे। गौरी लंकेश की जब हत्या हुई और प्रेस क्लब में जब बैठे थे, इनमें से कोई पत्रकार नहीं आया था। तो इन्होंने सबसे पहले पत्रकार को बांटा, क्योंकि अब जो है समाज को बांटने की जो मशीन थी वो जो नए दौर में आई। तो पहले हमारी ट्रेनिंग थी कि सेंसरशिप आएगा, नहीं सेंसरशिप नहीं आएगा। जिन संस्थाओं से सेंसरशिप आती है वो तो अब खत्म हो चुकी हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस से लेकर कोर्ट तक वो खत्म हो चुकी हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो अब उस मीडिया के जरिए इस देश को बदलने का काम किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित लोकतंत्र है, पेड़ से नहीं टपका था। 100 साल लड़े थे हम, जब बाहर भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद हिंदू मुस्लिम सिख के तीनों के आपसी दंगे चल रहे थे, तब संविधान सभा में लोग बैठकर अपनी अकल लगा रहे थे कि हमें उस हिंसा से प्रभावित नहीं होनी है, एक ऐसा संविधान बनाना है जो आगे चलकर लोगों के जहन पर तर्क को कायम करेगा। और ये एक ऐसी राजनीति बना रहे थे जो तर्क पर आपकी भावनाओं को कायम करे। इसीलिए 24 घंटा चला, और उसका नुकसान क्या हुआ, तो टेलीविजन के जरिए, और ये मैं मजाक में नहीं कहता हूं नीलांजन, टीवी ने इस देश की अर्जित जो मीडिया है, उस देश के अर्जित लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। डेली सामने से सीने पे छुरा मारा है इन लोगों ने। और आप आज आप वोट के नशे में हैं, उनकी कुर्सी के नशे में हैं, रहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 10 साल बाद मेरी हर बात को पलट कर देखेंगे कि कोई कह रहा था कि सामने हत्यारा है और आप उसे गले लगा रहे थे। ये हुआ आपके देश में 800-900 चैनलों को लगाकर। तभी मैंने कहा था कि आप टीवी मत देखिए, इससे आसान तरीके से आप इस सरजमी की सेवा कर ही नहीं सकते थे। अपने घर में टीवी बंद करके शाम को पार्क में चले जाइए, डायबिटीज का भी समाधान हो जाएगा, बीपी का भी समाधान हो जाएगा, आप खुश नजर आएंगे। लेकिन टीवी ने आपको बीमार कर दिया, सूचनाएं गायब कर दी गई। वो इसलिए कर रहा था कि उससे ये कोशिश थी कि आपको सिटीजन नहीं बनने देना है, क्योंकि आप बन रहे थे और उस बनने की प्रक्रिया में चले थे, तभी तो रामलीला मैदान में तिरंगा लेकर गए थे ना, उसके पहले तो आप नहीं जाते थे, तो आप उस रास्ते पे चल रहे थे। तो नागरिकता की जो पहचान है वो एक दिन में 10 साल में नहीं हासिल होगी, बहुत जमाने लगेंगे उस पहचान को लाने में जो हमने उसके लिए कभी मेहनत की। और उस मेहनत को खत्म करने के लिए, जनता को भीड़ में बदलने के लिए टीवी का इस्तेमाल किया गया। और इसीलिए आप कह रहे हैं कि जब उस भीड़ में औरतें बोलने लगीं तो समझ में नहीं आया कि कैसे डील करें, तब वो कह रहे हैं हमें माध्यमों की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अब अक्षय कुमार इंटरव्यू नहीं करेंगे, प्रसून जोशी ये इंटरव्यू नहीं करेंगे कि ये फकीरी, वेयर डिड यू गेट दिस बॉस, दैट्स फकीरी इज अमेजिंग, नोबडी गॉट दिस एंड यू फाउंड इट, फकीरी, ओ माय गॉड, माय हियर वी आर सिटिंग इन लंदन एंड वी फाउंड फकीरी, लेट्स हैव फकीरी टुनाइट, लेट्स हिट द फ्लोर, लेट्स डांस, वी हैव गॉट द फकीरी, ये उस गायक ने लिखा जिसको पैसे और शोहरत की कमी नहीं थी। बिकता वही है जिसका खजाना ज्यादा भरा रहता है। तो ऐसे लोग, ऐसे मीडिया आप एंकर के जरिए देख रहे हैं। ये पूरा एक फॉर्मेट था कि मालिकों को पहले कब्जे में लेकर, जो भूत प्रेत का मीडिया कर रहा था, वो इस तरह का टेलीविजन का सेटअप आपके सामने खड़ा कर दिया गया। अब आप पागलों की इस तरह बैठ रहे हैं, आपको न ये देश पहचाना जा रहा है, ना लोग पहचाने जा रहे हैं।
लग रहा है कि सामने वाला आ जाएगा तू मार देगा, वो व्हाट्सएप में लिख दिया है मत निकलो, लगता है वहाँ पे तुम्हें मारने आ जाएंगे। हर जगह ये मारने की फोर्स स्टेशन है क्या? ये रैपिड एक्शन फोर्स बना रखा है क्या आपने जब हर जगह जाके कहीं पीट दी? देखिए इसका नुकसान क्या हो रहा था, आप समझ नहीं रहे थे इस बात को। जब अलवर में पहलू खान को मारा गया और जब बुलंदशहर में सुबोध सिंह को मारा गया, तो सिंपल हिसाब हिंदू मुसलमान में ही समझा देता हूँ। दो लोगों को मारने के लिए 100-100 हिंदू परिवारों के लोग गए थे। जिन हिंदू परिवारों को हिंदुत्व के नाम पे आप आगे ले जा रहे थे, उन्हें बनाना था डॉक्टर, नौजवानों को बनाने लगे आप क्या? पहलू खान, तबरेज, सुबोध कुमार सिंह का हत्यारा। तो आपके घरों के बच्चे हत्यारे में ना बदलें, इसलिए बोलने आया था कि इसको बंद कर दो। इसके बगैर भी आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल, और आपको अच्छा लगेगा पसंद करके, क्योंकि जब भी ये बात होती है एक फोन आता है, बोलने से क्या होगा इस बार उन्हें 400 सीट आ जाएगी, 545 आ जाए, उससे क्या होगा? हम उनके सीटों को हराने के लिए नहीं बोल रहे, हम अभी भी नहीं बोल रहे कि आप उनसे दूर चले जाइए। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि ये जो चीज है हिंदू मुसलमान की, वो अब बहुत हो गया, इसको अब दूर कीजिए, यहां से नहीं चल सकता इस देश में। या हमारे घर के लड़के बर्बाद हो जाएंगे, आपके ही घर के लड़के बर्बाद होंगे, जो दिन भर व्हाट्सएप पे चलेगा उसको लगेगा कि एंटाइटलमेंट मेरा इतना है कि सड़क पर 5 रुपये की लड़ाई में कोई अमर किसी अकबर को मार आएगा। जिस अमर को आपने बहुत प्यार से बड़ा किया होगा, अच्छा बेटा बना बनेगा, वो हत्यारा बनकर किसी दिन घर लौटेगा, पुलिस और टीवी तो बचा लेगी उसको, लेकिन आपको भी जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि आपका बेटा हत्यारा हो गया। कितना लड़ेंगे हम किससे किससे? हमने 84 भी देखे, हमने 2002 भी देखे, हमने भागलपुर भी देखे, अब हम और नहीं देखना चाहते, छोड़ दो ना, जो हो गया सो हो गया। हमारी अदालतों में इतना दम नहीं था, पुलिस में इतना दम नहीं था कि उसकी वो संस्थाएं हम बनाए नहीं। अगर हम नागरिक होते तो हम इंस्टीट्यूशन बनाते और उस इंस्टीट्यूशन से इंसाफ मिलता, वो भी नहीं मिला, ना 2002 का मिला, ना 1984 का मिला, ना 1990 का मिला, किसी को नहीं मिला, कश्मीरी पंडित को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, और सब अपने अपने जख्मों को लेकर घूम रहे हैं, आहत लोग, घायल लोग घूम रहे हैं, कोई उनको गले लगाने वाला नहीं है, कोई उनको उनको लिपटाकर बोलने वाला नहीं है कि आओ हम तुम्हारे जख्मों को भरेंगे। जिसे देखिए वही किसी ना किसी के बहाने किसी के जख्मों को भरा हरा कर रहा है। मत होने दीजिए, वरना बसंत के कई मौसम में गुजर जाएंगे, आपको लगेगा कि ये सूखा इतना लंबा क्यों चल गया। हमारा वोट चाहिए ना, हम देते हैं वोट, आप लो वोट, लेकिन बदले में चोट मत दो किसी। इस मीडिया ने सबसे पहले, नीलांजना जी जब सरकार आई तो मीडिया ने एक बैरिकेड बनाया जनता और सरकार के बीच में। जैसे ही जब भी आप जनता बनके आप सरकार की तरफ आते हैं, सिर्फ शाहीन बाग की बात नहीं है, जब किसान आए लाखों की संख्या में दिल्ली, तब भी ये मीडिया बैरिकेड बन गया। नहीं गया किसानों के लिए भी, वो किसान हिंदू थे, वो हिंदू किसान थे, उनके लिए नहीं गया ये मीडिया, हिंदू का भी नहीं है, गुलाम किसी का नहीं होता है। वो किसी का नहीं होता है। जब नौजवान सड़क पर उतरे उत्तर प्रदेश में नौकरियों के लिए, बिहार में, राजस्थान में, मीडिया नहीं गया, उसमें ज्यादातर हिंदू थे, उनके लिए भी नहीं गया, और टीवी पे बैठ के वो हिंदुत्व का चैंपियन बना फिरता है जिसका काम था सरकार को जवाबदेही पे घेरना। तो वो बैरिकेड बनाया गया और डराया गया लोगों को कि जब टीवी डरा सकता है तो डराने के लिए 4 लोग चुने गए। हर चीज में रवीश कुमार कहां है, हर चीज में, अब वो कहां है, अब इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? कमाल है साहब, आप मेरी इतनी पूछ रहे हो, मैंने तो पूछना भी छोड़ दिया कि मुझे इंटरव्यू कब देंगे। हर चीज में वो ट्विटर पे चालू हो जाता है तो 1500 लोग आ जाते हैं और ट्रेंड कराते हैं, लेकिन जब लोगों ने अपनी नौकरी के सवाल को ट्विटर पे, बहुत अच्छी चीजें बच्चे सवालों को लेकर ट्रेंड हुई, उसमें आपके ही बच्चों को नौकरियां मिलती, उसको मीडिया ने कोई ध्यान नहीं दिया।